दिन भर की कार्रवाई पर भी बात करेंगे और कई बड़ी घोषणाएं उनके महकमे की ओर से आज हुई है। प्रभुलाल जी, सबसे पहले तो आपने जो अंदर सदन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, पहले उनकी बता दें संक्षेप में जानकर। देखिए, आज प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहला जो प्रश्न था वो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ बिलाड़ा के माननीय सदस्य ने उठाया था और उस प्रश्न के दौरान उन्होंने यूजीसी से सहायता की मांग की गई थी। प्रश्न के जवाब में हमने यह कहा कि यूजीसी से सहायता शिक्षा विभाग के उच्च बड़े जो कॉलेज होते हैं उनको दी जाती है, एग्रीकल्चर के जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेज को अनुदान देने का प्रावधान आईसीआर के माध्यम से दिया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, या तीसरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हम लोग ऐसे विश्वविद्यालयों को सहायता देने का काम करते हैं। क्योंकि अभी तक 2014-15 से लेकर अभी 2016-17 तक की यदि हम बात करें तो 7,155.58 लाख रुपए की अब तक वित्तीय सहायता 3 वर्षों में जोधपुर विश्वविद्यालय को केवल भर्ती और विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा दी गई है और इसी प्रकार 999.27 लाख के लगभग की जो स्वीकृतियां हम लोगों ने 6 विज्ञान केंद्र उसके अधीनस्थ आते हैं उनको रिसर्च के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा आईसीआर के द्वारा भी उनको इसमें पैसा दिया गया है। और मैं ये समझता हूं कि चूंकि कृषि में जो अध्ययनरत छात्राएं चाहे वो यूजी में हो चाहे पीजी में हो या वो किसी प्रकार की पीएचडी कर रही हो, ऐसी छात्राओं को भी नियमित रूप से एक्रेडिटेशन मिला या नहीं मिला, अब तक लगातार राज्य सरकार की तरफ से उनको जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो हम लोग कंटिन्यू उसमें दिए जा रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी कहा गया था कि इन विश्वविद्यालयों में फैकल्टीज की कमी है, पदों की कमी है, इनकी भर्ती की क्या कार्रवाई हो गई, तो मैं भर्ती के बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि इन भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 178 ऐसे पद हैं जो शैक्षणिक भी हैं और तकनीकी भी हैं, इनकी स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय को दे दी गई थी और शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रिया भी अभी वर्तमान में चल रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय का एक्रेडिटेशन शीघ्र उसको भारत सरकार के आईसीआर के द्वारा शीघ्र उसकी अनुमति, जो कमियां उन्होंने बताई थी लेबोरेटरी होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, प्रशासकीय भवन होना चाहिए, कॉलेज भवन होना चाहिए, खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं जो ही पूरी होगी निश्चित रूप से अन्य विश्वविद्यालयों की तरह जोधपुर को भी एक्रेडिटेशन शीघ्र। एक प्रभुलाल जी, बड़ा सवाल है बजरी के मुद्दे पर, आज कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया सदन के अंदर से और एक बड़ा मुद्दा था कि ये प्रश्न जो लगा था वो स्थगित कर दिया गया, क्या लगता है कि सरकार बैकफुट पर आई इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी जो विपक्ष का जिस प्रकार का आचरण जो सदन में चल रहा है उनका मकसद मात्र सिर्फ बजट से जो बौखलाहट हुई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट जो प्रस्तुत किया है उस बजट की बौखलाहट की वजह से कोई न कोई विषय कोई न कोई कारण लेके ये सदन से वॉकआउट करते हैं। स्थगित प्रश्न करने का अधिकार अध्यक्ष को होता है और अध्यक्ष किसी भी विषय को या किसी भी प्रश्न को स्थगित करने की जो उसका अधिकार है उसका प्रयोग उन्होंने किया। ऐसा ही एक बार पहले भी जब इसी प्रकार सदन ने वॉकआउट तब किया था जब कर्जा मुक्ति के बारे में, कर्जा ऋण माफ करने के बारे में जो प्रश्न लगा हुआ था, वैसे वो प्रश्न सहकारिता और कृषि के कारण से निरस्त हुआ था लेकिन हम लोगों ने उसको फिर 20 तारीख को लगा दिया गया है। इसी प्रकार आज इसको स्थगित किया, निरस्त नहीं किया गया है, इसको बहुत जल्दी हम लोग सदन के पटल पे लेके आएंगे और मैं आग्रह करना चाहूंगा विपक्ष को भी कि इस प्रकार छोटे छोटे मुद्दों को एक संसदीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए सदन को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप सदन का मुख्य विषय नहीं होता है। बिल्कुल।